अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज हाफिज मोहम्मद अहमद फ्रॉम ग्लोबल शटरिंग बिल्डर्स। न्यू मेट्रो सिटी की एक नई अपडेट के साथ मैं इस वक्त आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन आज मैं मौजूद हूँ अपने होम टाउन बैरिया टाउन लाहौर में। मेरे बैक साइड पे आप ट्रफॉल्गर स्क्वायर देख सकते हैं, इसके एक पूरी एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि सेकंड राउंड अबाउट पे न्यू मेट्रो सिटी में अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन अपनी तकमील के आखिरी मराहल में, सेम इसी की आप हूबहू कॉपी की जा रही है। 100% आप इसको देख सकते हैं कि इसी तरह वो बनाया जा रहा है। चार शेर हैं, चार लॉइंस हैं जो बेसिकली इर्द गिर्द रखे गए हैं, और इसी तरह ये एक लॉन्ग सा स्क्वायर है। तो इर्द गिर्द ये सफारी का एरिया है लाहौर के अंदर, ये सफारी विलास का एरिया है। तो अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ आपको लेफ्ट राइट ये थोड़ा सा रोटेट करके दिखाएं, तो ये लेफ्ट और राइट में आपको ये बहुत पुरसकून टाइप का एरिया जो है ना ये आपको नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरत एरिया है जहाँ पर जो है ये ट्रफॉल्गर स्क्वायर जो है ना बनाया गया। अगर मैं मौजूद हूँ आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, ये ट्रफॉल्गर स्क्वायर है, ये सामने फाउंटेन्स है, इसके ऊपर जो है ना ये सारे शाम के टाइम में चलता है। यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है, शाम में लोग अपने बच्चों को यहाँ पे लेके बैठते हैं। और इर्द गिर्द जो एरिया ये है सफारी का एरिया, तो इधर विलास का एरिया, ये तमाम आपको एरिया जहाँ पे जितने भी घर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल खामोशी, और आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि कितना जो है ना पुरसकून ये एरिया है। इसमें कितनी बच्चों की रेल फेल और खेलने कूदने का बाकायदा निज़ाम बनाया गया है। मेरे बैक साइड बिल्कुल बहुत बड़ा पार्क है, ग्रीन एरिया ये आप इसको दिखा सकें। हर घर के बाहर इसी तरह आपको जिस तरह मेट्रो सिटी में आपको नज़र आ रहे हैं, ये हर घर के बाहर ग्रीन जो है ना वो ट्रीज नजर बने हुए, हर घर के बाहर जो है ना वो दरख्त उगे हुए हैं, और ये सारा ये शेर का एरिया देख रहे हैं, इसके ऊपर शाम के टाइम बच्चे आके खेलते हैं। तो ये एक एरिया है जो मेट्रो सिटी आपको इस वक्त जो है ना वो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में एक डेढ़ महीने में ट्रफॉल्गर स्क्वायर जो है ना वो कम्प्लीट होकर देने जा रही है। और उसके बाद एक कम्युनिटी आपकी गुजरात से, दीना से, झेलम से, सर आलमगीर से, खारिया से, और इर्द गिर्द के गिर्दो नवा के जितने भी गाँव हैं वो यहाँ पर इंशाल्लाह ताला स्टेट ऑफ द आर्ट काम हो रहा है। यहाँ पर आप आया करेंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है यहाँ पर इन्जॉय करेंगे। जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए तो फिर बहुत ही अच्छा चांस है, और ख़ास तौर पर जो लोग ओवरसीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादातर हैं ही ओवरसीज़, वो चाहे 10 दिन के लिए आएँ चाहे 20 दिन के लिए आएँ, लेकिन उनको जो है ना वो इस तरह का गाँव का एरिया देखने को नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह ताला एक मॉडर्न एरा मिलेगा जहाँ पर वो रह सकेंगे, और जो है ना वो एक मॉडर्न सोसाइटी होगी जहाँ पर किसी किस्म की सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा, किसी किस्म के जो है वो चोरी डकैती का मसला नहीं होगा, और इसके अलावा आपको जो है ना वो आपकी रोड्स की जो है ना वो क्लीन मिलेंगी, जिस तरह आप इस वक्त बैरिया में देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसकी जो है वो कंप्लीट एक वीडियो दिखाता हूँ, उसको देखिएगा, और इस डेवलपमेंट के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।